कोरोना वायरस एक बार फिर भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में कहर ढा रहा है। ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर यही है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसे एक माइल्ड इन्फेक्शन बता रहे हैं। हालांकि ओमिक्रॉन से अब तक मौत के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं। पहली और दूसरी लहर में कोरोना के मूल वेरियंट और फिर डेल्टा वेरियंट से संक्रमित मरीजों में रिकवरी के बाद भी लंबे समय तक अलग अलग तरह की शारीरिक परेशानी बनी रही थी। अब ओमिक्रॉन से रिकवर कर मरीजों का भी ऐसा ही हाल है। उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शरीर में दर्द और हरारत का सामना करना पड़ रहा है। ओमिक्रॉन से रिकवर करने के बाद अधिकतर मरीज पीठ और कमर में गंभीर दर्द की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस तरह के केस लगातार बढ़ रहे हैं। फिजिशियन डॉक्टर हेमंत कुमार के मुताबिक जिस तरह से लोगों को डेंगू होने पर शरीर पर असहनीय दर्द होता है, ठीक वैसे ही ओमिक्रॉन से रिकवर करने वाले मरीजों को भी हो रहा है। वहीं मुंबई के ग्लोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर हरीश चाफले ने कहा कि कोरोना वायरस से रिकवर होने के बाद शरीर में हरारत होना आम बात है। लोग पीठ और कमर दर्द की शिकायत रिकवरी के बाद कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर मरीज इस दर्द को कमजोरी का नाम देते हैं। डॉक्टर चाफले कहते हैं कि वैसे पीठ दर्द होने की वजह का पता जीन सिक्वेंसिंग करके लगाया जा सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया काफी महंगी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इलाज नहीं किया गया तो आगे जाकर ये लॉन्ग टर्म दर्द बन सकता है, इसलिए कोरोना से रिकवर के बाद पीठ दर्द को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। जेजे हॉस्पिटल के डॉक्टर हेमंत गुप्ता का कहना है कि जिन लोगों को पहले से ही पीठ और कमर में दर्द होता है, ओमिक्रॉन पर उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। संक्रमण से रिकवर होने के बाद वे इस दर्द से जल्दी रिकवर नहीं हो पाते। डॉक्टरों के मुताबिक पिछले 2 साल से ज्यादातर दफ्तर बंद हैं और लोग घरों से ही काम कर रहे हैं। ऐसे में ज्यादा समय घर में बिताने के कारण शरीर में विटामिन D3 की कमी हो गई है। ये कमर और पीठ में दर्द की एक बड़ी वजह हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि पहले शरीर में विटामिन D3 की कमी का पता लगाएं और कमी होने पर इसका सप्लीमेंट लें और शरीर में कैल्शियम की कमी को भी पूरा करें। रेगुलर चलते फिरते रहने, एक्सरसाइज करने, सही पोस्चर में बैठने और शरीर को हाइड्रेट करने से दर्द की समस्या पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।